हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस क्लास में फॉलो कर रहे हैं हमारे राकेश यादव क्लास नोट्स को। ओके दोस्तों, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं और आज से हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं इस क्लास में। 13 से आगे जितना होगा उतने करेंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अभी तक जैसा कि आपने देखा कि जो क्वेश्चन आ रहे थे वो अलग अलग आ रहे थे। एक आदमी ने, दो आदमी ने मिलकर, तीन आदमी ने मिलकर ये काम कर दिया, ठीक है, कोई काम किया, एक एक आदमी का आ रहा था। अब जो बेटा जो क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, वो कैसे आएंगे? वो आएंगे जिसमें कि पूरा परिवार कर रहा होगा काम, ठीक है। पारिवारिक क्वेश्चन आने वाले हैं ये, जिसमें एक आदमी होगा, दो औरत होंगी, तीन बच्चे होंगे, ठीक है। किसी की दो औरत होंगी, एक आदमी होगा, पांच बच्चे होंगे, तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब इनको हमें कैसे करना है वो दे हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। करना हमें वैसे ही है, कुछ स्पेशल नहीं है, तो देखते हैं जरा। वही हमारा वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। वर्क वही होता है, आप जानते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम को हम वर्क कहते हैं, या आप समझते हैं एफिशिएंसी टाइम का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक आदमी, तीन औरत और चार बच्चे, ये किसी काम को मिलकर 96 घंटे में करते हैं, जबकि 96 आवर्स में करते हैं, जबकि 2 men 8 children, दो आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और दो आदमी 3 औरत 2 men 3 women उसी काम को 120 आवर्स में 120 घंटे में करते हैं। ज्ञात करो कि फाइंड करना है कि 10 men और 5 women 10 आदमी 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है आपको, और गारंटी है आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। सब कुछ क्लियर होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप इस बात की गारंटी दे दीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और शेयर किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही तो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ आप एक क्लिक करना है और आपका काम खत्म, मेरा काम तो चलता ही रहेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो देखें, एक आदमी है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं जो जो गिवन है हमें। देखो, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे कितनी देर में काम कर देते हैं, 96 आवर्स में, और 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 80 घंटे में, ठीक है, और 2 आदमी और 3 औरत उसी काम को भाई कर देते हैं 120 घंटे में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, इसका जो एलसीएम आएगा बच्चे वो आएगा 480, कितना आएगा 480, इसका एलसीएम आ जाएगा 480 तीनों का आप जब निकालोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल काम कितना करेंगे, 480 काम करेंगे टोटल। तो अब जरा एक एक का देख लेते हैं कितना कितना कर रहे हैं, एक एक दिन में कितना करेंगे। तो एक एक दिन में जब हम करेंगे तो देखो 2 होता है, ठीक है, और 5 दिन, मतलब ये एक दिन में 5 काम करेगा ये, ठीक है, इससे जब भाग दोगे तो 5 बचेगा, और इसमें जब करोगे तो ये 6 काम कर रहे होंगे दोनों, ये सब मिलकर एक दिन में, और ये कर रहा होगा कितना, 4 काम कर रहा होगा, ठीक है भाई दोस्तों, समझ में आई बात। ये कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, इतनी बात हमको कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, सभी को, सभी जानते हैं, बहुत क्वेश्चन कर लिए इसका हमने, ठीक है। तो देखें जरा, फिर आगे बोल रहा है कि ज्ञात करना है कि 10 आदमी 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो भाई अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 10 आदमी और 5 औरत उसी काम को पूछ रहा है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि एक आदमी कितना काम कर रहा है और एक औरत कितना काम कर रही है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 10 आदमी और 5 औरत कितने दिन में काम खत्म कर देंगी। तो हमें ये पता ही नहीं है, और मुझे यहां से कहीं दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा। तो मैं ये कर सकता हूं, देखिए कि
देखो कॉमन वाली चीज कौन सी है इसमें, ये कॉमन तो आ सकता है टू, यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो मैं इसी को ले लेता हूं। देखो तो मैं लेता हूं टू मैन प्लस एट चिल्ड्रंस इज इक्वल टू सिक्स, ये जो है एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से दो कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं दो कॉमन लूंगा तो एक आदमी रह जाएगा और चार बच्चे रह जाएंगे, ठीक है, छह। तो एक आदमी और चार बच्चे एक दिन में तीन काम कर रहे हैं, सही है भाई, एक आदमी चार बच्चे तीन काम कर रहे हैं एक दिन में। लेकिन अगर हम यहां देखें इस वाली जगह पर, देखो यहां पे एक आदमी तीन औरत और चार बच्चे हैं, तो एक आदमी और चार बच्चे की तो हमें पता ही है एक दिन का, तो हम तीन औरत का निकाल देंगे, तो निकाल देंगे एक औरत का निकलेगा। देखो यहां से जरा मैं यहीं पर रख देता हूं, देखो एक आदमी तीन औरत और चार बच्चे, तो देखो इनका तो हम जानते हैं ना, इनका तो तीन है, ये टोटल कितना पांच काम कर रही है, ये टोटल कितना काम कर रहे हैं पांच, ठीक है, टोटल एक दिन में पांच कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों, ये एक आदमी और चार बच्चे कितना काम कर रहे हैं, तीन काम कर रहे हैं। तो ये तुम देखोगे कि पांच माइनस तीन हो जाएगा, तो तुम देखो तीन वुमेन ये कितना दो, तो एक औरत जो है ना वो कितना काम कर रही होगी, दो अपॉन तीन काम कर रही होगी। एक औरत कितना काम करेगी, दो अपॉन तीन काम करेगी। देखो ध्यान से, एक औरत का निकला है हमारा, तो अब हम लोग आदमी का भी निकाल लेते हैं, यहां से निकाल देते हैं, देखो जरा ध्यान से यहां से निकाल देते हैं, क्योंकि एक औरत का निकल गया है। और देखो हमें जरूरत क्या है, हमें बच्चे की तो जरूरत ही नहीं है, एक बच्चा कितना काम कर रहा है हमें से मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है उससे रिलेटेड, हमें तो आदमी और औरत की जरूरत है। एक एक दिन का पता चल जाएगा तो हम कर देंगे, तो हमें औरत का तो पता चल गया, आदमी का यहां से निकाल देते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन में पुट करके, दो आदमी प्लस तीन औरत एक दिन में चार काम करते हैं, देखो यहां से, ठीक है। तो एक वो एक औरत का तो पता ही है आपको, तो रख दो, देखो तीन से तीन कट गया, दो आदमी और ये दो बचेगा यहां पर, तो देखो चार माइनस दो, दो उधर पहुंच गया माइनस में, तो कितना हो जाएगा, दो एक आदमी एक दिन में एक ही काम कर रहा है भाई, समझ में आ रहा है, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, ठीक। तो अब देख लेते हैं जरा ये कितना करेंगे, तो भाई मैं यहां कर देता हूं इसको, टोटल कुल काम यह कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो देखो दस आदमी पांच औरत, ठीक है, कितना है देखो, दस आदमी तो एक, ठीक है, और औरत का कितना हो जाएगा, पांच इंटू दो अपॉन तीन, ये होगा कि नहीं होगा, देखो कितना हो जाएगा देखेंगे जरा इसको, दस और दस अपॉन तीन, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा चालीस अपॉन तीन, इनका इनका एक दिन का काम कितना आ गया, चालीस अपॉन तीन आया, कितना आया चालीस अपॉन तीन। अब टोटल काम को ये कितने दिन में कर देंगे वो देख लेते हैं, तो टोटल वर्क को ये कर देंगे, 480 टोटल वर्क है, तो चालीस अपॉन तीन, ठीक है। तो देखो जीरो से जीरो, चार से ये कट गया, तीन ऊपर पहुंचेगा, बारह थी छत्तीस दिन में ये, सॉरी कितने दिन है, घंटे, सॉरी घंटे, छत्तीस घंटे में ये पूरे काम को खत्म कर देंगे, दस आदमी पांच औरत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, बस इसमें यही एक टर्निंग पॉइंट था, बाकी बहुत आसान था, आपको बस ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि आपको पूछा क्या है उसके हिसाब से निकालना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये है एफिशिएंसी पे बेस्ड, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता कि किसी के कार्य करने की कितनी क्षमता है, ठीक है। जैसे भाई एक आदमी दूसरे आदमी से या तो ज़्यादा क्षमतावान होगा किसी काम को करने में या कम क्षमतावान होगा, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है कार्य करने की, ठीक है, काम करने की अपनी अपनी एफिशिएंसी है वर्क करने की। तो वही दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्षमता पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्षमता में क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्षमता में भाई क्षमता जो है, जो भी क्षमता के बारे में, जैसे क्षमता टाइम के रेसिप्रोकल होती है, क्षमता बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो क्षमता कम होगी, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो जरा क्वेश्चन में फिर आपको क्लियर हुआ,
बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो क्षमता वाले क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में, ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से तीन गुनी है, ज्ञात करो कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, अब ए बी सी का मिलकर तो मुझे पता है कि 30 दिन में काम कर देंगे, टाइम तो मुझे पता चल गया। देखो हम जानते हैं ना वर्क क्या होता है, क्या नाम है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब काम क्या होता है, क्षमता गुणा समय, यही तो होता है टाइम। ठीक है, तो हमें टाइम तो पता है तीनों का, लेकिन क्षमता नहीं पता है। क्षमता कैसे दे रखी है हमें, ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से तीन गुनी है, ऐसे करके दे रखी है हमें, सबकी क्षमता तीनों की कंबाइंड नहीं बताई है। ठीक है, तो ज्ञात करो, अब इसमें पता ये करना कि अकेला एक कितने दिन में काम करेगा। तो भाई पहले तो क्षमता ही पता कर लो, पहले तो टोटल वर्क पता कर लो और क्षमता पता कर लो सबकी कितनी है, सबकी क्षमता ही नहीं पता अभी तक। तो देखो जरा, तो जो क्षमता दे रखी है उससे शुरुआत करते हैं। तो देखो अगर हमें बोला है कि ए प्लस सी की जो क्षमता है वो दोस्तों कितनी है, बी से दोगुनी है। देखो ये हमारी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ई लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो बी से कितनी है, दोगुनी। अगर बी की एक है तो इसकी दो होगी, सही बात है या नहीं। और मैं यहां पर देखूं तो देखो ए प्लस बी की जो क्षमता है ना वो सी से तीन गुनी है, तो अगर यहां पर एक है तो ए प्लस बी की तीन होगी, सही बात है या नहीं। ठीक है, ये तो ये दो है और ये एक है और ये तीन और एक एक है। अब तुम देखो ये भी तीनों की क्षमता है और ये भी तीनों की क्षमता है, देखो ना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को मिला दें तो ये टोटल क्षमता है, तीनों को मिला दें तो टोटल क्षमता है। तो आप यहां पर एक बात देखो कि इसकी क्षमता तीन है और इसकी क्षमता चार है। अब मेरे को यह बात नहीं समझ में आई कि तीन लोगों की दो क्षमता कैसे हो सकती है, तीन लोगों की दो क्षमता तो नहीं हो सकती ना भाई, है ना, कि मतलब इन तीनों की क्षमता ये है फिर थोड़ी देर बाद ये क्षमता हो जाए, मतलब क्षमता तो क्षमता है भाई, एक ही बार होगी ना, वो तो एक जैसी होगी दोनों की, लेकिन यहां पर अलग है। ये सबसे यहां पर मेन पॉइंट है कि क्षमता अलग है दोनों की, तीनों की, यहां पे अलग है यहां पे अलग है। देखो तो पहले क्षमता बराबर करो, तो देखो बराबर कैसे करेंगे इनको, इनको मैं इसमें चार का गुणा कर देता हूं, इसमें तीन का गुणा कर देता हूं, देखो टोटल क्षमता 12 है और इसकी भी 12 है। ठीक है, तो जितना भी मल्टीप्लाई यहां करेंगे वो इसमें भी करना पड़ेगा और जितना यहां पे कर रहे हैं उसका इतना इसमें भी करना पड़ेगा, तभी तो आएगी पूरी क्षमता। तो देखो जरा अगर मैं यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर भी 4 का और यहां पर 3 का और यहां पर 3 का, तो देखो क्षमता क्या आ जाएगी, 8 इसकी और 4 इसकी, और इसकी क्या आ जाएगी, 9:3। तो देखो अब बराबर हो गई ना, 8 और 4 12 और देखो 9 3 12, क्षमता बराबर हो गई दोनों की। अब पता पड़ गई मुझे क्षमता कितनी है तीनों की, तीनों का काम करने का मुझे पता है, तीनों 30 दिन में काम खत्म कर देंगे। अब मुझे तीनों की क्षमता भी पता चलेगी कि तीनों की क्षमता कितनी है। तो जब मुझे तीनों की क्षमता पता चल गई तो मैं टोटल वर्क पूरा काम निकाल दूंगा भाई, क्षमता कितनी है 12 है और टोटल काम टोटल दिन कितने लग गए इतने, तो टोटल वर्क कितना आया, 360 वर्क आया टोटल, हाँ या ना, सही बात है। ठीक है, तीनों का काम कितना आया, टोटल वर्क कितना आया, ये आया। ठीक, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो कि हमें ये तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया, अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है इसका, ए जो है इस किसी ए किसी काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर देगा, तो देखो जरा हाँ, तो अब आप देखो जरा कि बी अकेला, बी जो है बी की क्षमता 4 है और ए प्लस बी की मिला के 9 है, तो एक ही निकाल देंगे हम यहां से। देखो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 9 है और ए बी की अकेले की कितनी है, देखो 4, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। ठीक है, तो टोटल ए जो है ए अकेला इस काम को कितना में कर देगा, 360/5, देखो 5 7 35, 5 2 10, इसको ये कर देगा 72 दिन में, ए जो है इस काम को 72 डेज में खत्म कर देगा दोस्तों।
तो समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एफिशिएंसी और टाइम पर ही निर्भर है, ये क्वेश्चन उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ध्यान से इसको भी। किसी ए बी ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करते हैं। ठीक है, तो अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो वैसे ही है, बस यहां पर देखो ध्यान से जरा, कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं कि हमसे ये बोला है कि जो ए प्लस बी है ना वो सी से आधे समय में काम कर लेता है। मतलब अगर इसको दो टाइम लग रहा होगा तो इसको ए टाइम लग रहा होगा, मतलब हमें यहां पर टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, समय दे रखा है। ठीक है, और यहां पर बोला है कि बी प्लस सी ए को ए से 1/3 समय में कर लेते हैं, मतलब ये अगर ए को 3 दिन लग रहे होंगे तो इसको एक ही लग रहा होगा, कहने का इनका मतलब ये है। ये समय का तुम्हें क्या दे रखा है, यहां पर समय दे रखा है। तो हम जानते हैं कि समय का उल्टा एफिशिएंसी होती है, समय का उल्टा क्या होती है, एफिशिएंसी, क्षमता। तो देखो जरा इसकी टोटल क्षमता कितनी है, तीनों की 3 है, इसकी टोटल क्षमता कितनी है भाई, 4 है। फिर से वही पंगा कि भैया क्षमता तो सेम होनी चाहिए तीनों की, अगर दोनों भी अलग अलग जगह पर काम करेंगे तीनों, कि अभी इस बार एक ये वाला गड्ढा खोद दिया उस बार दूसरी वाला, तो क्षमता तो दोनों की तीनों की सेम ही रहेगी ना। तो बस वही फिर यहां पर कि भाई यहां पर हमें 4 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 4 से, यहां पर भी 4 से, और यहां पर भी 4, सॉरी यहां पर तो 3 से करना है, 3 से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये देखिए 8:4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 9:3। देखो फिर से वही 12:12 हो गया, टोटल क्षमता कितनी हो गई 12, और तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल दूंगा मैं, वर्क कितना आ जाएगा इसका, टोटल वर्क तो 12 × 20, इस बार 30 दिन नहीं 20 दिन है, तो 240 वर्क हो गया टोटल। अब तुमसे बोला ए अकेला, फिर से वही है, अकेले के लिए पूछ लिया। तो देखो ए प्लस बी मिलकर कितने में काम कर रहे हैं, ए पूछा है ना, हाँ, तो बी का हमें नहीं दे रखा, क्या किसका दे रखा है हमें, बी प्लस सी है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि अगर हम ए का, तो ए का तो हमें दे ही रखा है 3, सही है, ए का तो हमें डायरेक्ट दे ही दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ए का 3 हो गया, तो भैया ए जो है, ए की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कितनी है, 3 है एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगी 240/3, 80 दिन में ए इस पूरे काम को खत्म कर देगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एफिशिएंसी टाइम में बस ये रिलेशन याद रखना है कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं बस एफिशिएंसी और टाइम। ठीक है, और ये याद रखना है कि एफिशिएंसी दे रखी है अभी कि टाइम दे रखा है, इन चीजों पर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अभी हम कर रहे थे, बस यहां पर क्या कर दिया है, परसेंटेज में समय दे दिया है। ठीक है, और इसमें कोई वैसी कोई नई चीज नहीं है, तो देखो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी जिस किसी काम को करते हैं वो सी से 40% कम समय में कर लेते हैं, कितने समय में, 40% कम समय में सी से। ठीक है, लिख लेते हैं जरा यहां पर। और बी प्लस सी जो है वो ए से 60% कम समय में इस काम को कर लेते हैं। ठीक है, ए से। अब ध्यान से सुनना दोस्तों कि 40% कम, ठीक है, 40% कम का मतलब है, परसेंट को हम पहले फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं भाई, परसेंट को देख लेते हैं भाई कितना हो जाएगा, ये 2/5, 2/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब कि अगर ये 5 समय में करता होगा तो ये 2 समय में ही काम कर लेता होगा, सही है। ठीक है, तो इतना कम समय में ये काम करते हैं,
और बी प्लस सी जो है वो हमारा कितना 60 में, तो 60 को भी तोड़ लो भाई, 3 5, ठीक है। तो इसका मतलब तीन, ये काम तीन समय में करते होंगे, ये उसको अकेला 5 समय में करता होगा, सही है। ये हमने देखो यहां पर फ्रैक्शन में तोड़ लिया, इस तरीके से आप भी तोड़ लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को हम उसी में ले आए इस समय में, तो ये हमें टाइम दे रखा है। तो अब हम इसकी भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, देखो 5 2, ठीक है, इसकी 5 होगी, इसकी 2 होगी, और इसकी भी भैया हम देख लेंगे, उल्टा हो जाता है, हमने बताया है अभी पीछे। तो देखो इनकी टोटल एफिशिएंसी इसकी 7 है और इसकी देखो 8 है, फिर से वही लोचा, अलग अलग एफिशिएंसी ये हम नहीं कबूल पाएंगे भाई। तो हम वही करेंगे, 8 का इसमें, 7 का इसमें, तो 8 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और 7 का आप यहाँ भी करते हैं, जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो देखो 8 5 40 और 8 2 16, और ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 21, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो ये एफिशिएंसी हो गई इनकी, ठीक है। ये कितनी हो गई भाई, ये टोटल देख लो 56 56 आ रही होगी, क्योंकि 8 7 56 होता है। टोटल एफिशिएंसी जो है इनकी कितनी आ गई, 56, और काम कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क देखो कितना, 20, और 20 दिन में कर रहा है, और 56 है ये, कितना हो जाएगा, 2 5 12 2 5 10 और 1 11, 1120 इसका टोटल वर्क होगा, ठीक है दोस्तों। और आपसे ये बोल रहा है कि बी बताओ अकेले कितने दिन में करेगा, तो देख लेते हैं, बी प्लस सी की जो टोटल है वो 35 है भाई, और सी का अकेले की कितनी है, सी की अकेले की 16 है, तो देखो बी की कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी एफिशिएंसी। तो देख लेते हैं बी कितने दिन में काम करेगा इसको टोटल, तो 1120 अपॉन 19 दिन में ये इस काम को खत्म कर देगा दोस्तों, क्योंकि ये 19 से कटेगा नहीं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतना दिन लगेगा इसमें, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे करेंगे।